गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो हम लोग यहाँ पे किचन में जुटे हैं बहुत जोरों शोरों से, और ये नहीं बताएंगे क्यों जुटे हैं, क्या है सब सस्पेंस लास्ट में आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग क्यों इतना सारा खाना आज बना रहे हैं और क्या क्या बन रहा है। ये भी बनने के बाद मैं दिखाऊंगी सीधे कैमरे में। और अभी बस मैंने क्या ब्लॉग की शुरुआत कर दी है, तो रहेंगे तो बोल भी लेंगे। नहीं, और गर्मी तो पूछे रहे, तो जोर की गर्मी है कि देख ही रहा होगा आप लोगों को, टपक रहा है। और मैंने अप्रैन पहन लिया है इसलिए कि सफेद सूट मैंने डाला हुआ है, इसलिए मैंने अप्रैन भी पहन लिया है कि बहुत जल्दी मुझसे बहुत जल्दी सफेद दाग धब्बे पड़ जाते हैं, हल्दी मसाला, और फिर बना के खाना, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो यहाँ पे हम सब ने मिल के सारी तैयारी कर ली है सब्जी वगैरह की। यहाँ पे मिक्स वेज के लिए अलग तैयारी करी है और पनीर के लिए अलग तैयारी करी है। तो यहाँ पे शिमला मिर्च वगैरह काटे हैं मिक्स वेज के लिए, जो कि मैं यहाँ पे पहले दिखा दे रही हूँ। वैसे मैं खाना बनाते टाइम वीडियो बहुत कम शूट कर पाती हूँ, मुझसे नहीं हो पाता है, पता नहीं कैसे लोग कर लेते हैं। और मेरा किचन भी थोड़ा छोटा है तो बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैं अभी सब सारे मसाले वगैरह निकाल के बाहर रख लूँगी। यहाँ पे सब्जी भी कट करके रखी गई है, अभी ये धुली जाएगी, धुलने के बाद जो है ये सलाद के लिए मतलब धुल के रख दिए हैं हम। और यहाँ पे फाइनली कढ़ाई चढ़ा दी है, किस लिए, पनीर का मसाला भुनने के लिए। मैं जितना भी मसाला होता है ना, प्याज और टमाटर ये सब सारा, आप लोग जितने भी ब्लॉग मेरे देखे होंगे आप लोगों को पता ही होगा कि मैं भून के फिर पीसती हूँ ठंडा करके, वो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, उसका टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे मिक्स वेज के लिए सारी सब्जियां मैंने फ्राई कर लिया है, बगल में रितु भाभी जो है सिमाई बुन रही हैं। तो इससे आखिर मैं फिर कब तक बोलूं क्या, और मैं यहाँ पे टाइम लैप्स लगा के और यहाँ पे मैं पनीर वगैरह सारा कट करूँगी, खाना बनाती जा रही हूँ। और मेरे घर में क्या है, मेरे घर में आज बर्थडे है, और किसका, कौन है कटप्पा, हाँ कटप्पा का बर्थडे है मेरे घर में। तो कटप्पा कौन है ये जानने के लिए आपको पूरे ब्लॉग में बना रहना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा केक कट होते टाइम कि कौन केक कट कर रहा है और किसका बर्थडे है मेरे घर में। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। आगे ये मेरी मिक्स वेज भी यहाँ पे बन के तैयार हो रही है। का हुआ बंद कर दी होगी ये। मोही हाँ जंप करेगा ये पहले आती Happy birthday to you. चलो चलो खिलाओ, हमारी बारी, अभी खिलाओ। तो इधर देखो,
बाबू मिला कहाँ है भाई? ए छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटू सुमेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, बाबू छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, मेरो मदन गोपाल, ए देखो सब लोग खा के चले गए हैं। हम लोग लास्ट में देखिए कैसे खा रहे हैं, पूरा खाना पिए हैं और हम लोग कैसे खा रहे हैं खाना ना। सारे लोग जा चुके खाना ना खा के, पार्टी ओवर हो गई। ये रही दूसरे दिन सुबह की क्लिप जहाँ पे मैं नहा धो के वगैरह पूजा करी हूँ और आज मेरा व्रत है, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को भी भगवान जी के अपने दर्शन कराती हूँ। ये रही मेरी छोटी सी एक प्यारी सी मंदिर जिसे आप लोग भी भगवान के दर्शन कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे मैं आशा करती हूँ। और मैं आज के ब्लॉग का शुरुआत करती हूँ यहाँ पे। मैं नहा के पूजा वगैरह कर ली हूँ, आज सोमन का सोमवार है, मतलब अभी सोमवार खत्म नहीं है, सोमवार चल रहे हैं तो उसका मैं फास्ट करती हूँ। तो आज है मेरा व्रत और पूजा वगैरह मैंने सारा कुछ कर लिया है। अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ, ये देखिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स जो है, मूंगफली है और मखाना है, इसको फ्राई कर लिया है बिना नमक के, मैं नमक नहीं खाती हूँ। और चाय है, इसको मैं अभी पीऊंगी। और मैं बताऊँ ना, मेरा मन करता है, मेरा मन बहुत दिनों से कर रहा है रुद्राभिषेक कराने का, तो कुछ पता नहीं क्या है कि मैं करवा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि कभी इनको टाइम नहीं रहता है, कभी कुछ। तो मैं अभी इस सोमवार को मैं सोच रही थी तो नहीं हो पाया, क्योंकि इनको कहीं जाना है दोपहर में, उसके लिए टाइम चाहिए अच्छा खासा, कम से कम 5-6 घंटे चाहिए, उसमें बैठना होता है। और मेरा मन बहुत जोरों से कर रहा है मतलब रुद्राभिषेक कराने का, तो अगर शंकर भगवान ने चाहा, भोले जी ने चाहा, तो मैं अगले सोमवार को मैं जरूर करूंगी। इनसे मैं यही कह रही हूँ कि अगले सोमवार को जरूर आप छुट्टी लीजिएगा और मुझे करना है रुद्राभिषेक, मेरा बहुत मन लगा है करने के लिए। तो इसीलिए मेरा मन आज कुछ दुखी है कि मैंने पहले से पूरी तैयारी बनाई थी कि हाँ अब की सोमवार को मैं जरूर करूंगी, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ। चलिए जो ऐसा भगवान जी चाहते हैं वैसा होता है, शंकर जी अगर चाहेंगे तो अगले सोमवार को मैं जरूर करूंगी। और बेटू अभी सो रही हैं, अभी चलते हैं, ये नहाने गए हैं, इनके लिए नाश्ता वगैरह तैयार करते हैं, इनको भी जाना है अभी तो। और आप सभी व्रत हैं क्या सोमवार का? अभी कमेंट बॉक्स में हर महादेव जरूर लिखिएगा कि आप लोग भी फास्ट हैं और अभी कितने मंडे हैं। और ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही कि कल अनुष्का बर्थडे था, तो बहुत काफी लेट हो चुकी थी रात में, मतलब सब लोग आए गए, तो फिर हम लोग भी देर से सुबह उठे हैं। तो ये हमें सोमवार को सुबह में मूँगफली दाना और मखाना फ्राई कर लिया है और सुबह में यही लेती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।